फ्रेंड्स, आज मैं गवर्नमेंट के पार्क आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ किस टाइप के प्लांट्स आजकल गवर्नमेंट के पार्क में लगाए जा रहे हैं। सीजनल में बहुत ही सुंदर ब्लूम्स आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैंजी का फ्लावर है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत कम पार्क में देखने को मिलता है। इसको ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, सॉइल वेल ड्रेन्ड रहना चाहिए, ये हीट में ना रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, सनलाइट से दूर रखें। फ्रेंड्स, पैंजीज में आपको बहुत सारी शेड्स मिल जाएंगी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो नेक्स्ट फ्लावर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पेटोनिया का फ्लावर है फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा फ्लावर है, डबल शेड वाले, बहुत सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, पेटोनिया को ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, ये आपको मई जून तक फ्लावर देता रहेगा। सॉइल वेल ड्रेन रहनी चाहिए, आप फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये विंटर का बेस्ट सीजनल प्लांट माना जाता है क्योंकि इसके ब्लूम्स बहुत ही सुंदर होते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डैंथस का है फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं लेकिन बहुत सारे आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक प्लांट में कितने सारे सारे फ्लावर्स आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। डैंथस फ्रेंड्स बहुत ही कम केयर मांगता है, बहुत ईजी ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स, ये ईजी टू ग्रो होता है, सॉइल वेल ड्रेन्ड ही चाहिए इसे भी। जो नेक्स्ट प्लांट है वो फ्रेंड्स साल्विया का है, ये बहुत ही सुंदर होता है, इसमें दो वैरायटीज आती हैं, ये हाइब्रिडेड है, इसमें एक देसी साल्विया भी आता है जो बहुत ऊंचा हो जाता है। सॉइल की बात करूं तो फ्रेंड्स इसे भी सॉइल वेल ड्रेन्ड चाहिए, ओवर वाटरिंग से प्रोटेक्ट करें, बहुत अच्छे ब्लूम्स आते रहते हैं इसमें भी मई जून तक। फ्रेंड्स, ये गजेनिया का प्लांट है, इसे भी सॉइल वेल ड्रेन्ड चाहिए, देखिए कितने सुंदर ब्लूम्स आते हैं इसमें, बहुत सुंदर लग रहा है। ईजी टू ग्रो फ्रेंड्स है ये प्लांट, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता। जो नेक्स्ट फ्लावर मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स वो डहलिया का प्लांट है, ये सबको बहुत ही फेवरेट लगता है, बहुत सुंदर सुंदर शेड्स आती हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो किया जा सकता है, इसको बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए, देखिए सब में सपोर्ट दिया गया है। ताज़ा ब्लूम के लिए इसे भी ओवर वाटरिंग से प्रोटेक्ट करें। जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वो कैलेंडुला का प्लांट है, ये भी बहुत सुंदर होता है, सॉइल वेल ड्रेन चाहिए, मैं इसका फ्लावर आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का प्लांट आता है कैलेंडुला में, बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, ये जो सारा प्लांट लग रहे हैं ये नास्तूरियम के हैं, ये राउंड लीव्स वाले, इनमें कुछ इस टाइप का फ्लावर आता है, बहुत सुंदर लगता है, हार्डी है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है सीड से। जो ये नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये है मैरीगोल्ड का प्लांट, बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए कितने सुंदर ब्लूम्स हैं, ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। हमारा कोई पुराना फ्लावर हो उसको भी अगर हम तोड़ के डाल दें तो ये ग्रो कर जाता है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको सीजनल प्लांट्स के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।